स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल सारथी विकास और डाले 04 में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लेकर चल रहे हैं आपको जो है लोटस टेम्पल घुमाने के लिए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से कालिका जी मंदिर से जो है हम पैदल चल रहे हैं। आप ये रोड के साइड साइड का जो है आप नज़ारा देख सकते हैं, दुकानों को देख सकते हैं। तो हमको लगता है कि यहाँ से लगभग जो है 100 या 200 मीटर होगा दूर, और उसके बाद हम चलेंगे लोटस टेम्पल। तो यहीं जो है हम मेट्रो से उतरे हैं, और मेट्रो से उसके बाद से जो हम पैदल चल रहे हैं, उसके बाद से जो है हम लोग चलेंगे लोटस टेम्पल। तो साथियों, जो आप ऊपर देख रहे हैं ये मेट्रो का जो है कह सकते हैं लाइन है ऊपर, जो मेट्रो वहीं से गुजरती है। तो हम चल रहे हैं आगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक, और काफ़ी ये इंजॉय होने वाला है क्योंकि आगे लोटस टेम्पल है। देखे तो हम भी नहीं हैं, तो अंदर चलेंगे और वहाँ देखेंगे कि क्या है। तो बहुत ही दुकानें ज़्यादा लगी हुई हैं, बस हम पहुँचने ही वाले हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कबूतरों का जो है दाना डाला गया है। यहाँ कबूतर जो आके चुग रहे हैं, दानों को बीन रहे हैं। अब देखिए हम जो है आ चुके हैं, ये जो है कह सकते हैं लोटस टेम्पल के शायद बगल का ये जो है पार्क है। और हमें किसी के द्वारा पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यही जो है लोटस टेम्पल के अंदर का जो है कह सकते हैं गेट है। तो हम आप इसके अंदर आए हैं, लेकिन ये जो है ये लोटस टेम्पल की ओर नहीं जाता है, तो हमें जो उन्होंने गलत बताया। अब हम चलेंगे दूसरी ओर। अब जो है हम यहाँ पे 100 मीटर वहाँ से चलकर आए हैं पार्क से, और ये देख सकते हैं काफ़ी जो है लंबी भीड़ जो है भीड़ लगी हुई है, और लंबी लाइन भी लगी हुई है। तो हम यहाँ जो है बहुत दूर तक खड़े हैं। और ये बता दें लोटस टेम्पल जो है 5 बजे के बाद जो है ये टेम्पल जो है बंद हो जाता है, उसके बाद से इसके अंदर एंट्री नहीं मिलती है। तो ये बहुत ही लंबी लाइन है, हमको शायद 15 से 20 मिनट तक जो है वेट भी करना पड़ जाए। तो ये लाइनों को आप देख सकते हैं। और यहाँ लगभग जो है जाम लगे रहते हैं, क्योंकि यहीं से जो है कालिका जी मंदिर है इसके पीछे, और हम आगे आए हुए हैं तो जहाँ पे लोटस टेम्पल का जो गेट है। तो इस प्रकार से जो है 15-20 मिनट हम वेट किए, और हमारा नंबर जो आ चुका है अंदर जाने का। और अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा दृश्य है अंदर का। जैसा कि दोस्तों आपको हम वीडियो के स्टार्ट में ही बताए थे कि आपको जो है हम लोटस टेम्पल जो है घुमाएंगे, तो आज हम लोटस टेम्पल जो है आ चुके हैं, और वीडियो में आपको लोटस टेम्पल जो है दिखाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वंडरफुल, क्या दृश्य है, काफ़ी खूबसूरत जो है। पहले तो इसके अंदर का जो मार्ग है काफ़ी खूबसूरत है, और ये देख सकते हैं चारों तरफ का किनारा। ये देखा जाए तो ये जो है आपका शाही उपासना है। शाही उपासना जैसे जैसे कई धर्म होते हैं, ईसाई धर्म होता है, जैन धर्म होता है, तो वैसे ये शाही उपासना भी है। यहाँ कह सकते हैं कि ये जो टेम्पल है, अगर इसकी बात करें तो इस टेम्पल का अभी तो इसके बारे में इतना डिटेल्स नहीं पता है, आगे चलते हैं तो देख कर आपको बताते हैं कि क्या है इसमें। तो जैसा आपको हमने बताया कि 5 बजे गेट जो है बंद हो जाता है, यानी कि इसके अंदर एंट्री बंद हो जाती है। और शाही उपासना का अर्थ यही है कि इसके अंदर जाकर जो है शांत और एकांत बैठकर आप जो है वहाँ जो है प्रे कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। यहाँ किसी धर्म को लेकर जो नहीं बताया जाता है। तो ये शाही धर्म है, इसका अर्थ यही होता है कि आप जो है इस देश के नागरिक हैं, आप यहाँ शांति और
एकांत बैठ सकते हैं। और ये देख सकते हैं हम चल रहे हैं लोटस टेम्पल के जो है करीब, आप देख सकते हैं दूर से ही देखा जाए तो काफ़ी खूबसूरत होगा। और देखी जाए भीड़ की बात तो भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ लगती है, अन्य जो जितने भी दर्शन स्थल हैं लाल किला इंडिया गेट उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लगती है। लेकिन आज के दिन जो है काफ़ी उतनी भीड़ तो नहीं लगी है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि ज़्यादा यहाँ भीड़ नहीं लगी हुई है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, आप भी लीजिए वीडियो का एंजॉय, आनंद लीजिए। देखिए यहाँ के आपको हम मार्ग को दिखा सकते हैं, रोड को दिखा सकते हैं, कितना खूबसूरत रोड है। यहाँ जो है काफ़ी स्वच्छता का जो विशेष ध्यान रखा गया है कि इसके अंदर जो है कोई गंदगी ना हो, स्वच्छता हमेशा बनी रहे। ये देख सकते हैं पार्क जो है काफ़ी अच्छे अच्छे और घासें यहाँ बिल्कुल बराबर हैं, देख सकते हैं इसके साइडों जो है बिल्कुल फूल लगाए गए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे फूल पौधे लगाए गए हैं। अब इस प्रकार से इसके नज़दीक जो है मियाँ आ चुके हैं और ये देख सकते हैं कि ये अदर कंट्री के जो है कम से कम 20 से 25 जो है व्यक्ति यहाँ पे हैं जो फ़ोटो ले रहे हैं, वीडियो शूट करा रहे हैं। अब जो है यहाँ पे हम आ चुके हैं, तो सबसे पहले यहाँ बता दें कि इसके अंदर प्रवेश करने के लिए जो है हमने जो है जूतों को निकाल कर यहाँ रख दिया, उसके बाद से टोकन लिया। अब इसके बाद हम अंदर चलेंगे, इसके ऊपर चलेंगे, अंदर नहीं चलेंगे, ऊपर चलेंगे और देखते हैं कि यहाँ का नज़ारा क्या है। देख सकते हैं आप कितनी यहाँ पे सफाई है, सफाई इसलिए क्योंकि जूते चप्पल को बाहर रख दिया गया है, खाने पीने की सामग्री इसके अंदर ले जाना जो वर्जित है, इसलिए काफ़ी देख सकते हैं ये लोटस टेम्पल यही है। देख सकते हैं इसके चारों साइड का जो है दृश्य काफ़ी अच्छा खूबसूरत है। ये पानी जो है बिल्कुल नीला है, स्वच्छ नीला है और देख सकते हैं कि लोग जो है उसके ऊपर जा रहे हैं। आपको इसके बारे में और आपको एक अच्छी बात बता दें कि इसमें जो है इस कमल लोटस टेम्पल मतलब कमल मंदिर इसको कहा जाता है, यदि कहा जाए तो इसमें जो है 1 अरब जो है डॉलर इसमें जो है लागत आई थी इसको बनाने में, तो इसकी तो लागत हो ही गई। अगर देखी जाए तो इसमें पंखुड़ियाँ जो है 27 पंखुड़ियाँ हैं और ये बिल्कुल पानी के बीचों बीच, ये जो पानी देख रहे हैं बिल्कुल इसके चारों तरफ ऐसे ही पानी है, जैसे कमल जो है जैसे पानी खिलता है वैसे ही इसका जो है कह सकते हैं जो है डायग्राम जो है यानी कह सकते हैं इसको जो है बनाया गया है। तो ये जो है अपने आप में बहुत ही मशहूर जो है ये लोटस टेम्पल है, काफ़ी ज़बरदस्त है। अब चल रहे हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर जो है एक यहाँ की जो सिक्योरिटी उन्होंने बताया कि इसके अंदर जो है फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। अब देखिए ये लोटस टेम्पल के अंदर का है, यहाँ बिल्कुल शांत रहना होता है, बिल्कुल एकांत शोरगुल बिल्कुल बंद रहता है। इसमें देखा जाए तो इसके अंदर जो है 2500 लोग जो है एक साथ जो है बैठ सकते हैं। यहाँ पर फोटोग्राफी करना वीडियोग्राफी करना जो है वर्जित था, लेकिन फिर भी आपको हम दिखाने के लिए फोटोग्राफी वीडियोग्राफी किए। अब जो हम इसके बाहर आ चुके हैं और बाहर आने के बाद देखिए यहाँ आपको दिखाते हैं यहाँ से कितनी भीड़ है। अभी तो पहले तो यहाँ देख लीजिए कितना पानी जो है नीला है और बिल्कुल साफ है, इसी तरह जो है चारों तरफ से जो है इसका दृश्य है ऐसे ही। तो ये जो है दिल्ली में है कालका मंदिर, यदि आप मेट्रो से आएंगे कालका मंदिर तो वहाँ से जो है कह सकते हैं 5 या 10 मिनट का रास्ता है, तो ऑटो पकड़ते हैं तो 5 मिनट में आप जो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये देख सकते हैं भीड़, आप अभी काफ़ी कोई ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है, लेकिन देख सकते हैं यहाँ कितने लोग आए हैं। और ये देखा जाए तो इसमें जो है प्रवेश शुल्क जो है कुछ नहीं है, निःशुल्क है।
यहाँ पे 1 रुपये भी नहीं लगता है, देख सकते हैं। कितना अच्छा सुंदर और खूबसूरत दृश्य है यहाँ का। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी खूबसूरत लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत किए हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके साथ साथ जो है अच्छे से वीडियो शूट किए हैं ताकि आपको हम दिखा सकें कि लोटस टेम्पल क्या होता है। तो आप लोग जो वीडियो का आनंद ले रहे हैं, तो उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर करें जिन्होंने जो लोटस टेम्पल को जो है नहीं देखा है। अब चलेंगे हम, इसके देख सकते हैं यहाँ से उसके ऊपर से जो है, हम आप देखिए भीड़ कितनी है। लोटस टेम्पल और इस देखा जाए तो इसे 3 लेयर में निकल सकते हैं। इसमें जो है जैसे इसमें 27 जो है वो कह सकते हैं पंखुड़ियाँ हैं, और ये 3 तल में है, कह सकते हैं 3 तल में जो है इस प्रकार से जो है 27 पंखुड़ियाँ हो रही हैं। एक नीचे की तरफ है, एक निकला हुआ है, एक इससे चिपका हुआ है। तो इस प्रकार से टोटल जो है 27 जो है। गाइस कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट करना ना भूलें। चलिए हम चलते हैं अब बाहर, क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है बाहर निकलने का। और ये देख सकते हैं भीड़ जो है धीरे धीरे काफ़ी, और अब हम चलते हैं बाहर, देख सकते हैं भीड़ कितनी जो है लगी हुई है। और हम आगे चलेंगे, अपना जूता चप्पल जूता जो है लेंगे और बाहर की ओर एंट्री करेंगे। तो बाहर चलते चलते आपको जो है फिर एक बार जो है इसका जो है नज़ारा दिखा लेते हैं कैसा है दृश्य। तो एक बार आप भी यहाँ ज़रूर आएँ घूमें, और इसी के साथ जो बगल में इसका कालिका मंदिर है, आप वहाँ भी दर्शन के लिए जाएँ, माता दुर्गा जी का मंदिर है, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। और इसी के कह सकते हैं कि यहीं से आप 40 रुपये का मेट्रो टिकट लेंगे तो आपको जो है मिल जाएगा जामा मस्जिद, और इसी के आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा एक इस्कॉन टेम्पल, उसी के पास जो आपको मिलेगा कुतुब मीनार। तो हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम जो है कुतुब मीनार जाएँ और आपको जो उसका भी जो है कह सकते हैं कि नज़ारा दिखाएँ, तो जितना हो सका उतना जो है आपको नज़ारा दिखाए हैं। तो दोस्तों आप भी छुट्टियों गर्मियों की छुट्टी में जो है एक बार ज़रूर यहाँ जाएं और घूमें, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी अच्छे अच्छे जो है स्थान हैं जो घूमने योग्य हैं। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि आज हम जो है आपको लोटस टेम्पल घुमाएंगे, तो लोटस का टेम्पल जो घुमा चुके हैं, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा और खूबसूरत लगा होगा। दोस्तों ये देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी स्वच्छता है, स्वच्छता पर जो है काफ़ी जो है विशेष ध्यान दिया गया है, और यहाँ काफ़ी भीड़ भी लगी हुई थी। भीड़ की जो है यदि बात की जाए तो बहुत काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। और ये जो टेम्पल है 5 PM पे जो है क्लोज हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको हम घुमा चुके हैं, और ये रहा हमारा यहाँ तक का सफ़र। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको पर डे ऐसा वीडियो मिल सके। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।